चंदोसी में आज अकरोड़जी प्लाजा में चंदोसी उद्योग व्यापार मंडल की मासिक बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से प्रेम ग्रोवर, राजेश साहू, राजीव कुमार, सुशील मल्होत्रा को संरक्षक बनाया गया, सागर गुप्ता को अध्यक्ष व सचिन वाछड़े को महामंत्री बनाया गया। शाह आलम मंसूरी को प्रवक्ता मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई। बैठक में सर्वसम्मति से व्यापारी हित में एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया गया। प्रेम ग्रोवर ने कहा कि चंदोसी के व्यापारियों की हर समस्या के समाधान के लिए प्रशासन व शासन स्तर तक कार्य किया जाएगा। सागर गुप्ता ने कहा कि चुनाव के बाद व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ व्यापारियों का संवाद कराया जाएगा और किसी भी कीमत पर व्यापारियों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शाह आलम मंसूरी ने कहा कि चंदोसी के विकास के लिए चंदोसी उद्योग व्यापार मंडल कार्य करेगा। वह चंदोसी की मुख्य मांगे चंदोसी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराना, रेलवे फाटक पर अंडरपास बनवाना आदि समस्याओं पर चंदोसी उद्योग व्यापार मंडल कार्य करेगा। आज चंदोसी व्यापार मंडल की स्थापना हुई है। हम लोगों ने इस व्यापार मंडल की स्थापना इसलिए की है कि चंदोसी में कई व्यापार मंडल हैं, लेकिन हम चाहते हैं एक सशक्त चंदोसी के विकास के लिए, चंदोसी के विस्तार के लिए, चंदोसी में व्यापारियों की समस्या को उठाने के लिए हमने ये इस व्यापार मंडल का निर्माण किया है। और हम ये चाहते हैं कि ये व्यापार मंडल सबसे सशक्त, सबसे शक्तिमान और जितने भी चंदोसी के प्रमुख व्यक्ति हैं इसमें शामिल हो और इसका विस्तार हो, और हम जो है अपनी आवाज़ प्रशासन तक, सांसद तक, विधायक तक पहुंचा सकें। जैसे बहुत सारी मांगे जो आज भी अधूरी हैं, चुनाव ऊपर आ गए हैं, हमारा जो अंडरपास का मांग है, चंदोसी को जिला जिला अस्पताल बनाने का मांग है, मेडिकल कॉलेज की मांग है, वो आज तक पूरी नहीं हुई है। और हम ये मांग करते हैं चंदोसी को अनुसूचित से हटा करके जनरल किया जाए। इसके लिए हम हाई कोर्ट में एक केस भी दायर करेंगे, क्योंकि मैंने एक लेटर डाला था, उसका जवाब मुझे दिल्ली से भी आया है, लखनऊ से भी आया है, और उसके अंतर्गत वो ये कहते हैं कि ये सरकार करती है और हम जो है इसके लिए जनरल करने के लिए अपनी मांग जोर शोर से उठाएंगे। आज चंदोसी उद्योग व्यापार मंडल का गठन करा गया है, जिसमें सारे व्यापार मंडल की प्रतिनिधि को लिया गया है। इसमें चंदोसी व्यापार मंडल का गठन करने का मेन उद्देश्य ये था कि सब लोग जितने व्यापारी थे अलग अलग व्यापार मंडलों द्वारा शहर में कार्य कर रहे थे, सबको आज एक मंच पर लाकर एक व्यापारियों की ताकत बढ़ाने के लिए, आज व्यापारियों की ताकत बढ़ाने के लिए ये संगठन का विस्तार करा गया है। आगे व्यापार मंडल द्वारा व्यापारियों की समस्याओं के लिए कार्य करे जाएंगे, प्रशासन से हो चाहे शासन से हो, उसके लिए चाहे धरना प्रदर्शन करने पड़े, आमरण अनशन करना पड़े, व्यापारी हर चीज़ के लिए तैयार है।